आज के साइंसिस सूरज चैनल के साथ आज चल बनने वाले मैटर यूनिवर्स की थर्ड वीडियो जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर बेस्ड। चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं चलिए। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत रचेगा होगा, बहुत सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस सॉलिड लिक्विड गैस ये तो पढ़ा ही हुआ है, बस समझ लो वो चीज कुछ ना थोड़े सॉलिड है। ये आपको ही पता है सॉलिड क्या है, ये सॉलिड आपका फोन सॉलिड है, आपकी चेयर सॉलिड है, आपका टेबल सॉलिड है, आपका फैन सॉलिड है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम किस चीज को सॉलिड बोलते हैं, कि हम एक चीज ली हमने तो हम उसे सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी इसलिए हम उसे सॉलिड बोल रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी सॉलिड की वो है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का जो है ना वो होता है फिक्स्ड शेप, मतलब उसकी शेप को अपन बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर, अब ये कौन सा है, ये क्यूबॉइड शेप है। आपका फोन माइट बी इज इन द रेक्टेंगल शेप, वो रेक्टेंगल शेप में, तो कहीं ना कहीं सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम मतलब क्या, उसके अंदर की जगह, अब जैसे इसके अंदर कोई जगह ही नहीं, जीरो जगह, वैसे अगर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लोगे तो एक तो उसका शेप हो गया क्यूबॉइड या क्यूब और उसके अंदर जितनी जगह है वो फिक्स है, उससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, ये कहना चाह रहा हूं। तो वॉल्यूम भी फिक्स होती है। पजेस रिजिडिटी, सर अभी रिजिडिटी क्या होता, अरे रिजिडिटी कुछ नहीं होता, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर, मतलब सॉलिड के पास ऐसी ताकत है कि अगर हम इसे शेप बदलना भी चाहें तो भी अपना शेप मेंटेन कर सकता है, इसका शेप बदलता नहीं, कठोर है, स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिजिड है, रिजिड। हाई डेंसिटी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैदा बना के देख लेता हूं, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं एकदम पास पास और उनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है सबसे स्ट्रांग, तो इसलिए जो इनके पार्टिकल्स है इनके बीच में रहती है हाई डेंसिटी, ठीक, मतलब डेंसिटी, डेंस मतलब घने, तो इनके जो पार्टिकल्स है वो घने हैं। डी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए हम इन्हें तोड़ भी नहीं पाते। इट डू नॉट फिल द कंटेनर, अरे कुछ नहीं है, आप एक बॉटल, उस बॉटल में आप एक पेन डाल, पेन जो भी सॉलिड है, अब बॉटल में आपने पेन डाली तो क्या उस पेन ने उस बॉटल की पूरी जगह ली, उसको पूरा भर दिया, नहीं भरा, तो इसलिए बोलते हैं कि डू नॉट फिल द, मतलब पूरे कंटेनर को, कोई भी जग मग ले लीजिए वो सॉलिड उसको फुलफिल नहीं कर सकता कंटेनर। नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेस मतलब हम इसको प्रेस प्रेशर देके दबा नहीं सकते हैं, तो हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ एक चीज है कि अगर आप इसे ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बाकी हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। डू नॉट पजेस डिफ्यूजन, और ये अच्छी टर्म, डू नॉट पजेस डिफ्यूजन, याद करिए मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम पानी में नमक डाल रहे तो हुआ क्या था, नमक घुल गया था। अब सॉलिड क्या होता है कि अगर मैं सॉलिड को पानी में डाल, था तो नमक भी सॉलिड पर नमक के पार्टिकल से बहुत छोटे, वैसे ही अगर मैं इस डस्टर को पानी में डालू क्योंकि पानी एक लिक्विड है, तो अब ये डस्टर आप ही बताइए घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ऑफ कोर्स ये बात नहीं घुलेगा, तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये दो चीजें साथ में घुल जाती है, अगर दो चीजें साथ में घुल जाती है या मिक्स हो जाती है तो हम उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, और सॉलिड में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक तो रहते हैं दूर दूर, सॉरी एक तो रहते हैं पास पास, और उनकी अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग रहती है, तो इसलिए उनके बीच में जो है डिफ्यूजन नहीं हो सकता। वहीं अगर लिक्विड और गैस है तो हम उनके बीच में डिफ्यूजन देखते रहेंगे, ठीक। तो ये थी सॉलिड की प्रॉपर्टीज, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको वैसे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लिक्विड की तरफ, चलिए तो अब बात करते हैं हम लिक्विड की। यार लिक्विड क्या है, जिसमें आप शराब पीते हो, एल्कोहल पीते हो, पानी पीते हो, सोडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये क्या है, सब लिक्विड है, सब लिक्विड है। अब इसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है, चलिए आ जाइए इसकी प्रॉपर्टीज पर। अब आप भी सोचिए, सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता था, अब मैं आपसे पूछूं पानी का शेप क्या है तो कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, क्यों, पानी का कोई शेप ही नहीं होता यार, आप जिस बकेट में उसको डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, आपने पानी को मग में डाला तो वो पानी मग का शेप ले लिया, आपने उसे बाल्टी में डाला वो बाल्टी का ले लेगा, आपने उसे दारू की बोतल में डाला वो दारू की बोतल का शेप ले लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है सॉलिड की तरह, तो इसलिए इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं, बाकी इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि हम जो है एक पर्टिकुलर मात्रा में
एक कंटेनर मान लीजिए है ग्लास, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 liters, तो इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता, ना ही हम उसे बढ़ा सकते, ठीक है। अब पजेस फ्लूडिटी, अब ये क्या होता है, सॉलिड में रिजिडिटी ना, मतलब वो कठोर होते थे, अब फ्लूडिटी क्या होते हैं, ये जो लिक्विड से वो आसानी से फ्लो करते हैं, मतलब आप लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिला दीजिए तो ये आसानी से फ्लूड हो जाएंगे, मतलब फ्लो कर देंगे लिक्विड। मान लीजिए आपने एक शरबत और पानी को साथ में मिला लिया, तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से फ्लो हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मॉडरेट डेंसिटी, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी स्पेस रहती है, तो इनकी जो डेंसिटी है वो भी मॉडरेट रहती है, मीडियम रहती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, बता चुका हूं कि पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है वो कम होती है, तो हम क्या जगह होती है हल्की से ज्यादा होती है सॉरी, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक लगता है। डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ध्यान सुनना, ये पूरी तरह से कंटेनर को फुल नहीं करते, सॉलिड्स तो करते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं करते थे, पर जो लिक्विड्स है ना वो पूरी तरीके से नहीं करते, मतलब कि जो लिक्विड्स है वो थोड़ा बहुत तो करते हैं, क्योंकि आप कोई भी लिक्विड डाल दीजिए मग में, आपने मग ले लिया उसमें डाल दिया, तो वो आधा या उससे ज्यादा या थोड़ा सा काम तो कर ही देगा, पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा उसकी, पर जितना है उतना तो कर सकता है, ये कहना चाहते हैं। कैन नॉट कंप्रेस मच सॉलिड्स को, देखो भैया कंप्रेस नहीं कर सकते, तो लिक्विड को कर तो सकते हो, लिक्विड को कर तो सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में है थोड़ी सी स्पेस, सॉलिड में स्पेस नहीं थी, अगर स्पेस ही नहीं होगी तो आप कंप्रेस कैसे करोगे, कंप्रेस करके जो स्पेस है वो और कम होती जाएगी, तो लिक्विड को आप कंप्रेस तो कर सकते हो पर बहुत माइनर लेवल पे, बहुत कम है, ठीक। अब ये पजेस डिफ्यूजन, पिछले लेक्चर सॉलिड में मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, कि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो सॉलिड बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसानी से साथ में आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट स्टेट्स ऑफ मैटर की, जो कि है गैस। तो अब बात करते हैं गैस, अब यार गैस क्या होता है, जो आप निकालते हो वो भी एक गैस है और जो आप इनहेल करते हो वो भी एक गैस है। CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ये इतनी तरह की गैसेस है, मीथेन हो गई, तो ये सारी तरह की गैसेस है और बहुत कॉमन गैसेस जो है वो CO2 और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अब गैसेस का क्या रहता है, सॉलिड में हमने देखा कि शेप फिक्स होता है, लिक्विड में देखा कि हम उस जिस शेप में डालें वो हो जाएगा, गैस का क्या होता है, अब ऑक्सीजन तो कोई शेप है, आप ऑक्सीजन अभी इनहेल कर रहे हो क्या उसका कोई शेप है, आप बोलोगे कि मैं रेक्टेंगल की ऑक्सीजन इनहेल करता हूं, नहीं बोलोगे ना, तो इसलिए नो फिक्स शेप, उनका कोई शेप नहीं होता, और नो फिक्स वॉल्यूम, मतलब इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, क्योंकि यार अभी आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो आपको पता है कि कितनी मात्रा में इनहेल कर रहे हो, कितने लीटर, कितनी गैस, क्या कितनी यूनिट, कितना मेजरमेंट, नहीं पता ना, तो इसलिए उसे कहा जाता है नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब पजेस मैक्सिमम फ्लूइडिटी, बहुत आसानी से जो इसके पार्टिकल्स है वो फ्लो होते हैं, आप देखिए इंसेंस स्टिक अगर बनती आप उसे चलाएंगे उसके पार्टिकल्स हवा में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी, तो इसलिए मैक्सिमम फ्लूइडिटी है। लो डेंसिटी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत है, मतलब इसके पार्टिकल डेंस नहीं है, घने नहीं, तो इसलिए लो डेंसिटी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट, बता चुका हूं क्यों वीकेस्ट है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, इसका एग्जाम्पल है कि मैं अपना हवा में हाथ हिला सकता हूं, तो यही है, वहीं सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होती है तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता, लाइक डस्टर। हाईली कंप्रेसिबल, आप इसे बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, आप कंप्रेस कैसे करोगे, कंप्रेस लगाओगे प्रेशर, कंप्रेस करोगे तो इसके पार्टिकल आ जाएंगे पास पास, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विड की स्टेट बन जाएगी। और याद करिए जो आपके घर में एलपीजी आता है, एलपीजी के सिलेंडर या एलपीजी की पाइपलाइन लगी होगी, उसका मतलब क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब क्या है कि वो है तो गैस, है तो वो गैस, पर क्या है उसे आपने लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस किया है, आपके जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें कभी गैस नहीं आती है, उसमें लिक्विड आता है, पर वो लिक्विड को जो पहले थी वो गैस थी उसको लिक्विड में कंप्रेस किया है, इसलिए उसे बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। या आप CNG ले लीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बात वही लीजिए। गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, ये नया पॉइंट है, देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप एक बलून लेंगे उसमें आप हवा डाल रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे नॉर्मल से नाइट्रोजन डलती है, पर अगर आप उसमें ऑक्सीजन या कोई भी गैस डाल रहे हैं, तो अगर आपने उसको ज्यादा डाला, आपने ज्यादा मात्रा में डाला उस गैस को,
होगा क्या, वो बलून के जो वॉल्स है, वॉल्स मतलब जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, या आपका बलून ले लीजिए, तो अगर ये जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये बाहर से है ना थोड़ी सी हो जाएगी, मतलब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा मात्रा में गैस दे रहे हो, तो होगा क्या, आपने ज्यादा गैस डाली तो बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वो ब्लड तो बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि गैसेस को प्रेशर एक्सर्ट कर, मतलब उसमें आप ज्यादा मात्रा में डालोगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर उनके ऊपर आता है, उनके वॉल्स के ऊपर आता है। ठीक, तो आज हमने बात कर ली सॉलिड लिक्विड और गैस की, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फोर्थ टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइक एंड कीप सब्सक्राइब, थैंक यू।